हेलो फ्रेंड्स, मैं एक्चुअली कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपसे। हमने ये सीरीज स्टार्ट किया था फ्रेशर के लिए, तो जाते जाते मुझे ये लगा कि मैं अगर मेरे टीम में या मैं जहाँ इसके लिए भी काम कर रहा हूँ तो या मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं जब फ्रेशर को चांस देता हूँ तो ये रीज़न है कि फ्रेशर लोग में एक पैशन रहता है कुछ कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए। उसका पीछे बहुत सारा रीज़न हो सकता है कि चाहे वो एकदम पैशनेटेड है या फिर उसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ अच्छा करने के लिए वो पैशनेटेड हो जाता है अपने आप में। तो ये मैंने जब ये स्टार्ट किया था सीरीज, ऐसे लगा कि हम इसको थोड़ा सा डिटेल तरीके से बताएंगे या जो भी है, तो पर मुझे अभी लगा कि मैं जस्ट एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ ठीक है, पर जब मैं किसी को अपॉइंट करता हूँ ऐसा फ्रेशर तो मेरा माइंड में यही रहता है कि ये काम करेगा, उसका हाथ अच्छा होना चाहिए। तो दो तरह का बात होता है कि मैं फ्रेशर भी बोल रहा हूँ और जैसे मेरा हाथ अच्छा है वो भी देख रहा हूँ, तो डायमेंशन यहाँ बदल रहा है। तो मैं ये डिसाइड किया हूँ कि पहले मैं बहुत सोचता था कि अभी इसको रिकॉर्ड करें, बैकग्राउंड आवाज़ आ रहा है कैसे करें वो सब, फिर मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, लेकिन अभी मैंने ये डिसाइड किया कि हम इससे आगे के वीडियो फास्ट मोड पर लेकर जाएंगे। है ही तो फ्रेशर के लिए, फ्रेशर को भी इतना स्पीड पे काम करना ज़रूरी है, इतना फास्ट सीखना ज़रूरी है। अब मैं भी इस रिकॉर्डिंग का क्वालिटी वो सब इतना नहीं देखूंगा, पर्पस यही रहेगा कि फ्रेशर के लिए फास्ट फास्ट क्या हो सकता है, फास्ट फास्ट क्या लर्न कर सकते हैं। आगे का ट्यूटोरियल हम उस बेस पे लेके जाएंगे, जो भी रहेगा फास्ट रहेगा। किसी का डाउट कुछ रहेगा तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं उसको अलग से एक्सप्लेन दे दूंगा या फिर उसके लिए वीडियो बनाना बना दूंगा। लेकिन मेरा मेन फोकस यही रहेगा कि फ्रेशर को भी फास्ट फास्ट करके कैसे कर सकता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि हर हर एक सेशन को 2 से 3 मिनट के अंदर ही ख़त्म करो, उससे ज़्यादा किसना भी नहीं चाहता हूँ। तो क्योंकि अगर अगर किसी के लिए चांसेस खुल रहा है तो डेफिनेटली पहले वो फ्रेशर हो, उसके स्पीड पे होगा। कोई भी मैं हूँ या कोई भी किसी को भी लेते हाथ देखते कि इसका हाथ कैसे चलता है, किसी साथ काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो मेरा मेन फोकस है कि इस वक्त के लिए फ्रेशर को कैसे सिखाना, कैसे स्पीड अप करना। तो मैं अब आगे से जो भी है वो स्पीड अप पे ध्यान दे रहा हूँ।